Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhee Bakshee. In this show, as you know, that we keep talking to leading personalities and they come from various fields. Each week, we are bringing you new faces and the guest this week with us is a lady who's a prominent writer. She is Rakhshanda Jalil. Welcome to the show, Rakhshanda. Thank you, Rakhee. You know, we are, of course, going to talk about writing in India per se. And a whole lot of people are writing these days. So how do you find the atmosphere is like? Well, in a way, it's the sunrise industry. Everybody is writing a book, which is good, but the flip side is that there is a patchiness, there's an unevenness in the quality of writing. So I think thode se discretion ki zarurat hai, mujhe lagta hai, publishing mein bhi aur likhne walon mein bhi. Ji, to ab hum thodi hindi mein, hindustani mein bhi baat kar lenge, ki khas kar urdu mein aap likhti rahi hain, uska safar agar aap dekhen, to wo kis tarah ka raha hai, itne saal bite, kai sari baatein beech-beech mein aate rehti hain, wo daur tha, जबकि इतनी शिद्दत से लोग लिखते थे और लोग पढ़ते और सुनते थे, आज का दौर कैसा है? मैं असल में उर्दू में लिखती नहीं हूँ, मैं लिखती तो अंग्रेजी में हूँ, लेकिन मैं उर्दू और हिंदी के सोर्सेज को एक्सेस करती हूँ और उनको इंटरप्रेट और एनालाइज करने का काम अंग्रेजी में करती हूँ. लेकिन जो मेरी समझ है उर्दू लिटरेचर के बारे में और जो मुझे चेंज नज़र आता है वो ये कि एक डाइल्यूशन हुआ है, एक क्वालिटी का डाइल्यूशन हुआ है. उर्दू के जर्नलिज्म तो खैर काफ़ी हद तक कमज़ोर से कमज़ोरतर होता चला जा रहा है, लेकिन फिक्शन में भी हमें कोई बड़ी नॉवल नहीं नज़र आ रही है. ये अपने आप में एक बड़ी वरिंग बात है. किसी भी लिटरेचर की सेहत, उसकी तंदुरुस्ती उसके फिक्शन से मालूम होती है. हमें शॉर्ट स्टोरीज तो उर्दू में बहुत नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में मुझे कोई बड़ा नॉवल बहुत सालों से देखने को नहीं मिला है. एंड दिस टू माय माइंड इज समवेयर इंडिकेटिव ऑफ सम इलनेस समवेयर इन द लिटरेचर. And what is very interesting to talk to you about is the whole era of progressive writing, which you are watching very closely. Yeah. So talk about that also. My PhD, which I did very late in life and which, by the way, I recommend very highly. यानी उम्र के एक दौर आता है जब आपको लोग समझते हैं कि हमने पढ़ाई यूथ में करना ज़रूरी है. मुझे अपने ज़ाती तजुर्बे के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने बाद में PhD किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा PhD था प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट पे और ये एक मूवमेंट था जो 1930s में बहुत हमें ड्रामेटिकली नज़र आता है इसकी फ्लावरिंग. प्रेमचंद इसकी पहली इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि हमें खूबसूरती का मयार बदलना होगा. यानी प्रेमचंद व्हेन ही एड्रेसेस दिस फर्स्ट कांग्रेस इन अप्रैल 1936, ही टेल्स पीपल दैट वी मस्ट लुक एट एंड रीडिफाइन व्हाट इज़ ब्यूटिफुल. यू नो, खेत में काम करने वाली औरत जिसके माथे पे पसीना है, वो बच्चे को दूध भी पिला रही है और खेत में भी काम कर रही है, खूबसूरती उसमें भी हो सकती है. यानी प्रेमचंद के कहने पे हम एकदम से दोबारा से देखते हैं इस बात को कि सोशली इंगेज लिटरेचर क्या है और क्यों उसकी ज़रूरत है. यानी लिटरेचर को एक आईना दिखाना है समाज को और उस आईने में अच्छी बुरी ख़राब जो जो चीज़ें हैं वो नज़र के आनी है. सो वुड यू लाइक टू राइट नाउ कंपेयर द काइंड ऑफ राइटिंग व्हिच हैपेंड अर्लियर नाउ एंड और डू यू थिंक इट्स गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड बट वुड यू स्टिल लाइक टू कंपेयर? देखिए, कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्योरली लिटरेरी टर्म्स में भी जब प्रोग्रेसिव का डिक्लाइन हुआ तो एक और मूवमेंट आया जिसका नाम था मॉडर्निज्म, जिसने कहना शुरू किया कि मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरे एलिनेशन मेरे लिए मायने रखते हैं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इफ़ यू अंडरस्टैंड मी और यू डोंट अंडरस्टैंड मी. तो एक मी बहुत बढ़ता चला गया, आई माई सेल्फ वाला जो फीलिंग थी वो प्योरली लिटरेरी टर्म्स में बहुत बढ़ती चली गई. पहली बात ये. फिर दूसरी बात यह कि प्रोग्रेसिव से कंपेयर करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सोशली इंगेज लिटरेचर इस वक्त नहीं दिखता है. आप सोचिए 60s में पैट्रिस लुमुम्बा जो कि एक अफ्रीकन लीडर थे, जब उनका असैसिनेशन होता है तो हिंदुस्तान के बड़े से बड़ा शायर लिखता है उस पर, आवाज़ उठाता है. आज हमारे यहाँ कुछ भी बड़ा हादसा हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये तो किसी और का दुख है, ये हमारा दुख नहीं. But there is still immense number of writers coming up, Rakhshanda. What do you say about that? That is the disconnect that worries me. I'm a literary historian by training. When I look at a writing, I look at the context. When I look at the present kind of writing, I am worried by the lack of connection with society. अगर वो connection है तो वो मसलन चेतन भगत की नॉवेल्स में एक लिहाज से है, बट फिर भी वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है. मुझे लगता है कि सोसाइटी के साथ जिस तरह का कनेक्शन एक राइटर का होना चाहिए, इंक्रीजिंगली
वो मुझे कम से कम नजर आने लगा. बट देन वी वॉच ऑल दिस फेस्टिवल्स अराउंड, इट्स मशरूमिंग नॉट ओनली नाउ इन जयपुर व्हिच इज वेरी फेमस बट ऑल्सो टू अदर सिटीज. सो हाउ वुड यू लुक एट दैट एज अ साइन? देखिए वो काफी हद तक मेला की तरह है, वो एक तमाशा या मेले की तरह है. मैं भी उन फेस्टिवल्स में जाती हूँ तो इसलिए मैं उनकी हॉस्पिटैलिटी से वाकिफ हूँ. मुझे अंदाजा है कि वो कितने किस हद तक आपका ख्याल रखते हैं, राइटर्स को प्रमोट करते हैं, जो अपनी जगह बहुत अच्छा है. लेकिन दैट डज नॉट ट्रांसलेट into good books. A popular or a well-attended literary festival in real terms actually does not translate into good fiction. You know, since your flavor is so Hindustani, थोड़ी हम उसमें भी बात करें कि जो एक फैज साहब का ज़माना ले ले, जाफरी साहब का ज़माना ले ले और तमाम उन राइटर्स की बात करें जिनको हम सर उठा के देखते हैं, तो आज के दौर में जो राइटिंग हो रही है वो किस तरह की हो रही है? खासकर जो लोग शायरी कर रहे थे उर्दू में उमदा लिख रहे थे और जो आज का दौर. देखिए आज का दौर लिटरेरी टर्म्स में जैसा मैंने जिक्र किया कि मॉडर्निज्म की वजह से और प्रोग्रेसिविज्म की डिक्लाइन की वजह से जो एक इंडिविजुअलिस्टिक क्वालिटी थी राइटिंग की वो बहुत बढ़ती जा रही है, यानी मेरा दुख. लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें अच्छी शायरी उर्दू में नज़र आ रही है. जावेद अख्तर की शायरी नॉन फिल्म जो उनकी अपनी शायरी है, अच्छी शायरी है. गुलजार साहब की जो नॉन फिल्म, एज ए लिरिसिस्ट ये दोनों बहुत अच्छे नाम हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ एज पोइट्स. एक पोइट जो मेरी नज़र में बहुत उम्दा पोइट थे, जिनका हाल में 2 साल पहले इंतकाल हुआ, वो शहरयार थे, जिन्होंने बार बार आवाज़ उठाई मेटाफर के जरिए. रात का मेटाफर ले लिया या काली रात या स्लीपलेसनेस का मेटाफर ले लिया, भले ही मेटाफर के जरिए किया हो, भले ही डायरेक्टली ना किया हो, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई जब जब उनको लगा कि कोई इनजस्टिस है या अनफेयरनेस है या एक्सप्लॉयटेशन है. तो लोग लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस बेबाक तरीके से नहीं लिख रहे हैं जो हमें. But let me say something. Are you saying that literature which kind of created or was in the time of revolution or kind of created revolution or literature which is just free, liberal and the way it should be? I mean, are you trying to say that it has only to be related to some kind of emergence of a new era, phenomena or situation? Literature can be an engine that drives a revolution. इसमें कोई दो राय नहीं है. लिटरेचर बहुत हद तक उस रेवोल्यूशन को क्रिएट तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो इंसान का दिमाग क्रिएट करता है. दैट्स एन आइडिया. द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन इज एन आइडिया जो जन्म लेता है आपके दिमाग में. लेकिन जो आपकी लिटरेचर है, उस समाज की लिटरेचर है, उसको फ्यूल कर सकती है. मुझे इस वक्त ऐसी कोई लिटरेचर नहीं नज़र आ रही जो एक इनकलाब ला सके. मुझे आज के दौर की जो, मैं हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी की लिटरेचर की बात कर रही हूँ, मैं और भाषाओं के बारे में इतना हद तक नहीं जानती, लेकिन इन तीन ज़बानों में मुझे कोई ऐसा लिटरेचर नहीं दिख रहा जो बहुत हमें इनकलाब की तरफ या एक मेजर सोशल चेंज की तरफ ले जा रहा हो. Okay, so there is lots that we are going to talk to you about, but right now we have to take away a small short break, and we are taking this break on the Quest on Raj Sabha TV that you're watching. We are talking to Rakhshanda Jalil, and we'll keep doing that after this very short break. Also, don't go away. Welcome back to the show. You're watching the Quest on Raj Sabha TV. I'm Rakhee Bakshee. We are right now talking to the writer Rakhshanda Jalil. Jo baat hum aur kar rahe the, aapki kitabon ke bare mein bhi baat kare, Invisible City jo aapne likha, दिल्ली के जो हिडन मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपने बात की, तो आज की जो दिल्ली है उसके हालात के बारे में क्या कहेंगी? देखिए ये मैंने बहुत साल पहले, तकरीबन 15 साल पहले कॉलम्स लिखने शुरू किए थे एक अखबार के लिए. वो वीकली कॉलम हुए, फिर वो उनकी तादाद बढ़ती चली गई और मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई. लेकिन इन 10-15 सालों में मैंने जब पहली दफ़ा उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा था और जो अब लिखा है, एक ह्यूज चेंज पाया है, एक सी चेंज आप कह सकते हैं. यानी अगर 10 साल पहले तक एक बावली हुआ करती थी तो वो भर गई, ख़त्म हो गई, उस पर बिल्डिंग आ गई. अगर एक कोई मॉन्यूमेंट जिसकी दीवारें खड़ी थीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जाने के बाद वो दीवारें टूट जाती हैं, वो मॉन्यूमेंट ढह जाता है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ जाती है. तो जो अर्बनाइजेशन है, जो फोर्सेस हैं अर्बन रिन्यूअल के, वो इस शिद्दत से जड़ पकड़ रहे हैं हमारे शहर में कि हम हिस्ट्री एक कैजुअलिटी है उस प्रोसेस की. अर्बन रिन्यूअल बहुत ज़रूरी है, शहरों की शक्लें बदलना ज़रूरी हैं नई पॉपुलेशन के हिसाब से, नई डायनामिक्स के हिसाब से. ऑफकोर्स द सिटी हैज़ टू चेंज, बट एट वॉट कॉस्ट, एट वॉट प्राइस. मेरा काम सिर्फ एज अ कंसर्न सिटीजन, मैं कोई कंजर्वेशनिस्ट ट्रेंड नहीं हूँ, मैं हिस्टोरियन ट्रेंड नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में रही हूँ इतने अरसे से, तो मेरी सिर्फ ये फिक्र है कि जो हम कंजर्वेशन को साथ लेते हुए शहर की में तब्दीली क्यों नहीं ला सकते. और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, और शहरों में हुआ है, रोम में हुआ है, इस्तांबुल में हुआ है, और जो तारीखी शहर हैं जिनकी हिस्ट्रीज हमारी दिल्ली की तरह बहुत बहुत सेंचुरीज पुरानी हैं, उन्होंने हिस्ट्री को साथ लेते लेते तब्दीली लाने की कोशिश की है.
हमने जो किया है वो ये कि हमने हिस्ट्री को एक तरह से बलि चढ़ा दिया. So what's your formula? What's the solution that we as citizens can look at? There has to be some sort of common cause. I mean, you and I have to say कि भाई ये हमारा शहर भी है. प्रॉब्लम ये है कि ये माइग्रेंट्स का शहर है. इसमें बहुत से लोग, मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा लोग कहीं और से आए हैं. आज भी आप किसी से पूछ लीजिए आप कहाँ रहते हैं, तो वो कहेंगे जी हम तमिलनाडु के फलाने गांव से आए हैं, या हम राजस्थान के फलाने गांव से आए हैं, फलाने शहर से आए. बहुत कम लोग को सेंस ऑफ ओनरशिप है. जब तक वो ओनरशिप नहीं आएगी, और उस ओनरशिप को मदद मिलेगी अगर RWA साथ में आए, अगर और सिविक एजेंसी साथ में आए. सो दिस हैज़ टू बी अ मिली जुली, यू नो, भागीदारी. दिल्ली सरकार का एक टर्म था भागीदारी, लेकिन वो एक टर्म बन के एक स्लोगन बन के रह गया है. अगर हम इस स्लोगन से परे हट के बात करें, भागीदारी का मतलब क्या है? आप और हम मिलके, या एक सिविल एजेंसी और हम मिलके कुछ काम करें, वो भागीदारी है. मुझे गाना याद आ रहा है जो हम अक्सर आप और हम सुनाई करते हैं, सीने में जलन आंखों में तूफान सा शहर है. तो ये जो शहर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक बढ़ गया है, जो शक्ल सूरत जो है, जो उसका दिल है, वो कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन जैसा कि आप खुद कह रही हैं तब्दीली आ गई है. तो व्हाट काइंड ऑफ दिल्ली वुड यू रियली लाइक टू सी? आई वुड लाइक टू सी अ दिल्ली व्हिच हैज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. मेरे लिए, मुझे लगता है कि हिस्ट्री एक रिवर है जिसके सभी पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हम ये नहीं कह सकते कि ये हिस्सा जरूरी नहीं है, चलो इसको काट के फेंक देते हैं. रिवर में से आप चीजें निकाल के तो नहीं फेंक सकते ना, वो एक कंटिन्यूम है, वो एक धारा है, और वो धारा पूरी की पूरी अहमियत रखती है. उसके हिस्से नहीं निकाले जा सकते, फिजिकली पॉसिबल नहीं है. तो हम जो दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये पता नहीं कौन था, उसने क्या चीज बनाई थी, हमें तो इसके बारे में नहीं पता. We can't afford to have that attitude. We must have respect and regard for our past. वो हमें समझ में आता है, नहीं आता है, वो हमें अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, वो हमें लगता है कि हमारा नहीं, किसी और का है. Even so, the past is a shared past. Until we have that sense of respect for regard for that past, I think we're going to have tough times. You know, your another book is like Liking Progress, Loving the Change, if it's the title I'm pronouncing correctly. So talks about maybe the progress that one likes. Progressive writers movement, actually. So connect it with the kind of things which are happening today. We are talking about this city, Delhi, but things which are happening in terms of governance, as citizens, people are rising, it seems. We are in a democracy. How would you like to relate writing with this whole people's aspiration movement and everything merging together? अगर एक आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट पे जो मैंने काम किया, जो लाइकिंग प्रोग्रेस लविंग चेंज किताब है, उससे जो एक चीज़ मैंने सीखी, सिर्फ एक चीज़ अगर मैं कहूँ, वो है द पेरल्स ऑफ एक्सेस. यानी कोई भी चीज़ जब एक सीमा को पार कर देती है, तो वो चाहे शुरू में अच्छी रही हो, बाद में उसकी अच्छाई कम से कम होती जाती है. प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में हमने देखा कि जो शुरू एक सोशियो कल्चरल लिटरेरी मूवमेंट के तौर पे हुआ, वो एक्सेस की वजह से, एक्सेसिव जील की वजह से, वो आइडियोलॉजिकली रिजिड होता चला गया. इसी चीज़ को मैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में ला के अगर रखूँ इसी प्रिंसिपल को, तो मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर सीमा को तोड़ के निकल जाए, चाहे वो आज के जो आज हमें हमारे दिल्ली में जो सरकार आई है, या जो हमारे सेंटर में सरकार आई है, या कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट है, जब वो एक्सेसिव हो जाता है, जब वो अपनी सीमा को तोड़ता हुआ एक एक मदमस्त हाथी की तरह चलने लगता है, तब गड़बड़ होने लगती है. Yeah, so you're talking about this whole connect, which I think leaders are supposed to realize, and some of them maybe are realizing. Yeah, I'm just warning of the perils of excess. Yeah, so let's take another point which emanates out of this whole point, is of multiculturalism, again, pluralism, as we were talking also about it. How would you like that scene happening all around us? इसके लिए एक बहुत सिंपल मेरे ज़हन में phrase है, अंग्रेजी का phrase है, living together separately. देखिए, कई सौ सालों से हमारे यहाँ लोग साथ साथ रह रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही उनका बहुत दोस्ताना था, हमेशा ही उनका एक दूसरे के साथ उठना बैठना था. बहरहाल वो पीसफुली, हारमोनियसली एक दूसरे के साथ रह रहे थे, यानी लिविंग टुगेदर सेपरेटली. तो आपकी और हमारी माइनर डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस अपनी जगह हैं और उनको रहने देना चाहिए. हम सबको एक ही कुकी कटर से तो नहीं निकल के बाहर आना है ना, हम सबको एक ही ढांचे में ढलने की भी ज़रूरत नहीं है. इसलिए हमारे जो डिफरेंसेस हैं, आपके, हमारे, एक्स के, वाई के, जेड के, वो डिफरेंसेस अपनी जगह रहें, कोई हर्ज नहीं है. लेकिन उनकी वजह से विवाद उठे, उनकी वजह से कड़वाहट आए, ये मेरी समझ में नहीं आता. So what should be the whole idea again here? Consensus, respect, dialogue? Respect. And this whole business of right to offend,
ये एक बड़ी इमेच्योर सी चीज है जो आजकल सुनाई दे रही है टीवी पे और जगह कि मुझे हक है कि मैं आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करूं, क्योंकि इसको जोड़ा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच से. मेरा ये मानना है कि राइट टू ऑफेंड तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि इसकी अगला स्टेप तो राइट टू किल हो जाता है. यू नो, आप जब सड़क पे चला रहे हैं तो आप ट्रैफिक के उसका रिस्पेक्ट करेंगे ना, आप ट्रैफिक लाइट पे रुकेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं जी मैं तो इस ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करता हुआ जाऊंगा क्योंकि ये मेरा हक है. Right to offend is as absurd as that. So we'll of course have to change it into a short break again, and we are taking another very short break here on the Quest on Rajya Sabha TV. We are talking to Rakhshanda Jalil. Don't go away, keep watching the show. Welcome back to the show once again. You're watching The Quest. We are talking to Rakhshanda Jalil. So what kind of books you like? What kind of writing that you really enjoy indulging in? I like slightly old-fashioned writers like Jane Austen, who wrote, Pride and Prejudice kind of novels, which are, a novel of manners. You know, it talks about the little barikiyan jo samaj ki hain, jo characters ki hain. मुझे उस किस्म की चीज़ें अच्छी लगती हैं. लेकिन आजकल मुझे लिखना जो चीज़ अच्छी लग रही है वो बायोग्राफीज़. मैंने एक लिखी थी ऑन अ राइटर, फेमिनिस्ट राइटर रशीद जहां. जी बिल्कुल. एंड उसके बाद से आई हैव टेस्टेड ब्लड. अब इस वक्त मैं शहरयार पे एक मोनोग्राफ लिख रही हूँ. उसके बाद सरदार जाफरी पे लिखने की शुरुआत करना चाहती हूँ. तो मुझे लगता है बायोग्राफीज का एक अपना ही मजा है उसको. फेमिनिस्ट राइटिंग की थोड़ी और हम बात करें, और उसको आप किस नज़र से देखेगी कि वो एक एक्सक्लूसिवली या नीश सेक्शन किस तरह से देखा जा रहा है? मैं ज़ाती तौर पर फेमिनिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं पोस्ट फेमिनिस्ट हूँ. मैं इक्वालिटी की बात ही नहीं करती, मैं तो उसके बहुत आगे जा चुकी हूँ. लेकिन मुझे समझ में ये आता है कि हमारे समाज में, हिंदुस्तान में, बहुत सी ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने पायनियरिंग काम किया है. रशीद जहां उनमें से एक हैं, जो कि एक डॉक्टर थी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की. वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी, वो फेमिनिस्ट थी, और वो इप्टा की मेंबर थी. थिएटर के लिए लिखती थी, रेडियो के लिए लिखती थी. तो बहुत सी ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने सिर्फ जेंडर के लिए, मतलब मुझे उससे इतराज़ है जब औरतें सिर्फ औरतों के लिए लिखती हैं या औरतों के लिए ही आवाज़ उठाती हैं. मेरा ये मानना है, मैं रशीद जहां को एडमायर इसलिए करती हूँ क्योंकि उन्होंने औरतों के बारे में अगर लिखा तो सिर्फ औरतों के लिए या औरतों की ज़बान से नहीं लिखा. तो मेरे ख्याल से जेंडर में हम गलती कभी कभी ये कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि सिर्फ औरतों के लिए लिखा जा रहा है. बिल्कुल सही. इट्स एज एब्सर्ड एज़ सेइंग दलित राइटिंग इज ओनली फॉर दलित्स और ब्लैक अमेरिकन राइटिंग इज ओनली फॉर ब्लैक अमेरिकन्स. यू नो, सो व्हाई शुड वुमेन्स राइटिंग ओनली बी फॉर वुमेन, बाय वुमेन, or you know, of interest to women? But do you think everybody is getting the platform for the right kind of expressions, if I may say? I mean, in what way? In terms of everybody being having that kind of atmosphere when one feels hamare free samaj, to write. Bilkul nahi, bilkul nahi. Hamare samaj ki to inequalities hain hi. हर समाज की हैं, किसकी नहीं है. लेकिन हमें चूंकि बहुत से सालों की इनइक्वालिटीज़ को पूरा करना है, तो इन आठ पिछले 60-70 सालों में उनको नहीं पूरा करना पाए हैं. वी आर मोर अनइक्वल देन मैनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़. हैविंग सेड दैट, मेरे लिए चूंकि मेरे पास कुछ एजुकेशन की प्रिविलेज है, तो उसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आई एम अ पोस्ट फेमिनिस्ट. मेरे ख्याल से हर एक शख्स ये नहीं कह सकता है. तो हमें ये मान के चलना है कि प्रिविलेज हर एक के पास नहीं है, और वो प्रिविलेज जो तालीम से आता है, असली प्रिविलेज वो है. Because I'll relate it not only to writing, but what's happening in theater or maybe in films, which is being talked about these days. This whole, term of expression, or whether it's getting curbed or whether there's free speech. So if चार्ली हेब्डो का आप केस ले लीजिए, जिसमें ये कहा गया था, जिसको लेके बहुत विवाद हुआ था, कि राइट टू ऑफेंड, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में और कॉजिंग ऑफेंस में एक फ़र्क है. इट्स अ टाइट रोप वॉक, एंड दैट वॉक हैज़ टू बी वॉक्ड विद ग्रेट केयर. कि आप समझ रहे हैं कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर दूसरे को दुख पहुँचाता है, तो मेरे ख्याल से कहीं उसमें हमें अपने आप पे रोक लगाने की ज़रूरत है, सेल्फ सेंसरशिप की ज़रूरत है. क्योंकि मैं इसको सिनेमा से भी जोड़ रही थी कि जिस तरह की बातें आजकल हो रही हैं कि क्या सिनेमा में बिल्कुल ये राइट है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को उसी तरह से दिखाएं जैसे दिखाना चाहते हैं, या लोगों की सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रख के. मेरे ख्याल से किसी भी मल्टी कल्चरल प्लूरिस्टिक सोसाइटी में लोगों की सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है. उसके बगैर हम ये लिविंग टुगेदर सेपरेटली वाली बात जो मैं बार बार उठाती हूँ, ये फिर मुश्किल हो जाती है. बिकॉज चाहे वो सिनेमा हो या कोई सा भी मीडियम हो, कहीं ना कहीं तो वो एक सोशल मीडियम है. आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के क्या बात कह रहे हैं, और फिर वही बात अगर आप फिल्म पे उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, या आप अखबार में लिख रहे हैं, या स्टेज पे प्ले बना रहे हैं,
you are reaching out to the public. So when you get out of your private domain and you come into the public domain, I think it's very, very important to have regard for other people's feelings. And without taking really specific names, I would say that this kind of writing, which is getting sort of commercial, but there's a lot of money, some of these are getting adapted into movies. Yeah. How would you look at that kind of emergence of a new kind of writing, maybe, or that space? Look, as a literary critic, I think it's bad writing. But having said that, I can see that it's appealing to the lowest common denominator. जब वो किताब की शक्ल में छपती है तब उसकी लाखों कॉपीज बिकती हैं और फिर जब वो फिल्म पे पर्दे पे आती है तब लोग देखते हैं सराहते हैं तो मैं इसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकती अगर लोग उसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उसकी जरूरत है because some people might say that the kind of writing which is very pure and which is happening maybe are confined to libraries and who's actually reading it so do you think that's a challenge that is also you know हाँ बिल्कुल हमारे जैसे लोगों के लिए जिनकी शायद 1000 या 2000 या 5000 बहुत हुआ किताबें बिकती हैं और लोग जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं जिनकी लाखों का प्रिंट रन होता है of course there's a disconnect आप बुक फेयर जाइए तो यू नो यू कैन सी वेरी एविडेंटली दैट एक खास किस्म की चीजें हैं जो ज्यादा तादाद में बिक रही हैं लेकिन नंबर्स सब चीज़ नहीं होते हैं राखी जी नंबर्स ज़रूरी हैं क्योंकि वो एक तरह से आपको एक इंडिकेशन है कि क्या चीज़ बिक रही है किस चीज़ में प्रॉफिट है लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि हम हमारे जैसे लोग जो और चीज़ें लिख रहे हैं वो लिखना बंद कर दें या हम जो भी लिख रहे हैं उसको लोग पढ़ना बंद कर दें मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल अभी नहीं मसलन बुक फेयर है सामने तो क्या आपको लगता है कि एक रिफ्लेक्शन होता है कि जो नंबर्स जा रहा होता है हाउ वुड यू टेक अ लुक एट दैट नंबर और वुड यू से द क्वालिटी पार्ट इज स्टिल इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक द क्वालिटी पार्ट विल ऑलवेज बी इम्पोर्टेंट मैं नहीं मानती हूँ कि क्वालिटी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती है देखिए नंबर ज़रूर होंगे पॉपुलर स्टॉल्स पे जहाँ डू इट योरसेल्फ वाली किताबें होंगी इम्प्रूव योरसेल्फ वाली किताबें होंगी या पॉपुलर फिक्शन होगा या क्राइम फिक्शन होगा या रोमांसेस होंगे ज़रूर वो ज़्यादा खरीदी जा रही होंगी लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है या जो एकेडमिक पब्लिशर्स हैं लोग उनकी किताबें नहीं खरीदते हैं अगर ऐसा होता तो लोग अपनी दुकानें ही बंद करके बैठ जाते ना डू यू थिंक आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक टेक ऑन थिंग्स बट टॉकिंग अबाउट इश्यूज surrounding women again and coming back to that how do you look at the scene I mean do you think as writers or being a woman yourself things are kind of changing as far as women have been looked at I mean I'm not even talking about equality but the kind of sensitivity which is required things are changing lekin kabhi na kabhi kuch na kuch ek choti si cheez ho jati hai jisse hame lagta hai ki society ka temperament mein वो तब्दीली नहीं आई या वो चेंज नहीं आया जैसा कि हम चाहते हैं कि आज भी हम औरतों को स्टेरियोटाइप के नज़र से देखते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बदल रहा है टीवी पे आजकल एक बड़ा अच्छा ऐड आ रहा है अबाउट सेंसिटाइजेशन अबाउट वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन उससे एक सोसाइटी की नब्ज का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर जो लोग ऐसी समझ रखते हैं जिन्होंने इतने अच्छे पब्लिक इंटरेस्ट में एड्स बनाए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ये समझ है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है अलग अलग तरह से अलग अलग मीडियम्स के ज़रिए तो मेरे ख्याल से देर इज़ अ चेंज बट वी आर ऑन द कस्प ऑफ दैट चेंज इसके नतीजे मेरे ख्याल से हमें 5-10 साल में और खुल के दिखाई देंगे ओके एंड लॉट ऑफ मेबी यंग पीपल आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम ऑल्सो आई मीन योर मैसेज टू देम इन टर्म्स ऑफ वॉट शुड अ बडिंग राइटर डू यू नो अ बडिंग राइटर हैज़ एक्सेस टू सोशल मीडिया विच me growing up in my childhood people like I did not have and that is blogging for example har ek shakhs kehta hai ki hum likhna chahte hain hum kaise likhe kaise shuru kare mujhe lagta hai ki blogging se zyada behtar koi medium nahi hai aap apna blog shuru kijiye aapke jo dil mein aata hai wo likhiye aur agar aapki quality mein kuch dam hai koi spark hai koi ek cheez hai jo logon ko touch karti hai to aapke blog se hi aapko inspiration milega that's a beginning and I think that is something that was denied to people till a few years ago so now social media is offering you options but some would say that social media has other repercussions also usme checks and balances nahi hai main manti hu achhi buri indifferent really bad really horrible writing is also coming up lekin aapka jo sawal tha ki log shuruaat kaise kare to mere khayal se blog ek bahut acha option hai apne 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 creative urge ko express karne ka And the kind of writing that you are now involved in, I mean, talk about that also. क्या आपके projects हैं या क्या आप सोच रही हैं या क्या लिखना चाह रही हैं या क्या लिख रही हैं? I am a full-time writer. I left full-time work a few months ago, and I just write. That's all I do. इस वक्त मैं एक novel को translate कर रही हूँ उर्दू से by इंतजार हुसैन. I'm writing a monograph on a very powerful Urdu poet, शहरयार. और मैं कुछ अपना एक fiction है. मैंने इससे पहले भी English में fiction लिखा है. उस पे काम कर रही हूँ
And this question, I think, was, of course, has been asked to you earlier, but what is more difficult, fiction, non-fiction? What do you enjoy otherwise? No, that apples and oranges. I like both. You know, and fiction जो है आप यहाँ से करते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है. क्रिएटिव नॉन फिक्शन, जिस किस्म की चीज़ें मैं और लिखती हूँ उसके लिए मुझे फुट नोट्स भी बनाने होते हैं, मुझे डिक्शनरी भी चाहिए होती है, मुझे थेसॉरस भी चाहिए होता है, मुझे बहुत सी चीज़ें कंसल्ट करनी होती हैं, फुट नोट्स लिखने होते हैं, बिब्लियोग्राफी बनानी होती है. तो फ़र्क सिर्फ टेक्निक का है, तरीक़े का है, टूल्स का है. बट यू नो, आई मीन, फॉर वन यू डोंट नीड एनी थिंग एक्सेप्ट वॉट यू हैव इन साइड यू ऑलरेडी, जो आपका ऑलरेडी जमा पूंजी है, आप सिर्फ उसको निकालते हैं फिक्शन के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए आपको फिर भी बाहर से सहारे की जरूरत होती है. हालांकि हम प्रोग्राम के अंत में जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, और खासकर उर्दू के बारे में अगर हम बात करें, एक जबान की तरह, उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि इतना खुलूस है, इतनी वार्मथ है उसमें, लेकिन आज उर्दू कहाँ पर है? उर्दू के बहुत अच्छे हाल है. मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि उर्दू मर गई है या मरने वाली है या बीमार है. उर्दू श्रिंक ज़रूर कर गई है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, उसका जो दायरा था वो श्रिंक होता चला जा रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही ख़त्म होगा, क्योंकि आप और मैं जो ज़बान में बात कर रहे हैं, जो आधे से ज़्यादा लोग हमारे सुनने वाले समझ रहे हैं, मैं कोई बहुत मुश्किल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, ना आप कोई बहुत मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं और हम उर्दू में बात कर रहे हैं. तो ये ज़बान कैसे ख़त्म हो सकती है जिसको लोग बोल भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं? जी, ऑफ कोर्स. एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू आस्क यू रक्षंदा हियर, व्हाट्स द क्वेस्ट दैट रक्षंदा हैज? क्या है आपके सामने क्वेस्ट? मेरे सामने क्वेस्ट है कि मैं अच्छे से अच्छा लिखूं, खूब जस्तजू के है खूब से खूबतर कहां. वाह, क्या बात है. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. कीप राइटिंग एंड कीप एंजॉयिंग योरसेल्फ एंड मेक अदर्स आल्सो एंजॉय योर राइटिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन राजसभा टीवी. एंड दैट वाज रक्षंदा जलील, हु टॉक टू अस ऑन रेंज ऑफ इश्यूज, नॉट ओनली राइटिंग बट इश्यूज दैट आर अराउंड अस. I hope you like this particular edition on Rajya Sabha TV and watching The Quest. Thanks for watching. Namaskar and bye-bye.